नमस्कार, मैं हूं अनिकेत पाल और आप देख रहे हैं राही न्यूज़ का खास कार्यक्रम गांव की बात राही के साथ। जी हां, पंचायती चुनाव तो जोरों शोरों से चल ही रहे हैं और प्रत्याशी भी अपने अपने प्रचारों में लिप्त हैं, पर कहीं ना कहीं जनता के बीच ये मंथन बना हुआ है कि आखिर किसे अपना मतदान दे। चूँकि विकास के वादे तो सभी करते हैं, पर विकास करेगा कौन? ऐसे में जनता किसे मतदान दे रही है, जनता किसे समर्थन दे रही है, ये जानेंगे हम सीधे उन्हीं से। आइए करते हैं सीधी बात जनता के साथ। मेरे साथ यहाँ कुछ महिलाएं मौजूद हैं और देखिए घर की मुखिया भी महिलाएं होती हैं, ऐसे में महिलाओं की क्या राय है ये जानेंगे हम उन्हीं से। प्रणाम माता जी। प्रणाम भाई, कैसी हैं माता जी आप? ठीक हूँ। माता जी किसे समर्थन दे रही हैं? भाजपा। भाजपा को? देवी को। क्या चुनाव चिन्ह है? कैंची। अच्छा माता जी, कैंची, देखिए घर में महिलाओं का एक बहुत बड़ा हथियार है। जैसे वो कपड़ों को काटती है, ऐसे में महिलाएं जो प्रत्याशी है उनकी जो कैंची है वो बाकी प्रत्याशियों को कैसे काटेगी? अपना चुनाव चिन्ह लेगी, उन पता कंची तो थोड़ा ही काटेगी, मतलब मोहर लगेगी ठकाठक। मोहर लगेगी ठकाठक। माता जी आप किसे दे रही हैं मतदान? कैंची को। कैंची को? आप? कैंची को। कैंची को ही क्यों? बाकी और भी तो हैं प्रत्याशी और भी तो हैं चुनाव चिन्ह तो पड़े हो, चुनाव हम कंची पर देंगे। कंची आपको इतनी पसंद है? कंची भाजपा के, हम भाजपा के कंची पर देंगे। भाभी को भारी वोटों से जिताएंगे। अब अच्छा भाभी ऐसी क्यों? अगर कोई और भाजपा से खड़ा होता तब ऐसे ही जिताते, मतलब भाजपा समर्थित। अच्छा, और आप किसे दे रही हैं? कैंची को। कैंची को, ऐसी क्या खासियत है कैंची वालों में? बस पहले तो बात यह है ना, भाजपा की सरकार है, भाजपा की सरकार है, मोदी जी किससे जुड़े हुए हैं, इसीलिए हम उनको देना पसंद करेंगे। अच्छा, उसके बाद अगर उन्होंने जीतने के बाद विकास ना किया फिर करेंगे? पूरा विश्वास है हमें। विश्वास कैसे? विश्वास नहीं तो विश्वास है, करेंगे। योगी जी ने करा तो ये, आदेश चौहान जी ने करा, ये भी करेंगे। ऐसी क्या है? ऐसी क्या खासियत की आपको लगा कि यही विकास करेंगे? नहीं, यही करेंगे, हमारी पार्टी ऐसी है, उनके साथ में लगे हुए तब भी कर रहे हैं। अच्छा, 30 साल से काम कर रहे हैं? 30-35 साल से काम कर रहे हैं। अच्छा, ऐसी कौन सी आपको विकास चाहिए जो गांव में अब तक नहीं हुआ, क्षेत्र में नहीं हुआ? देखो गढ़मीरपुर में इनमें सड़कें बहुत खराब है, पानी भरा पड़ा, टूटा पड़ा, गंदा पड़ा, और पानी का भी थोड़ा वो नहीं है, सुविधा होनी चाहिए। भाजपा की सरकार है, गांव गांव में सुविधा होनी चाहिए जहां से हमारी वोट। अच्छा माता जी, जैसे महिलाएं हैं, कहीं ना कहीं महिला आज भी असुरक्षित महसूस करती है, ऐसी स्थिति में आप क्या कहना चाहेंगे कि महिलाओं के लिए क्या सुरक्षा होनी चाहिए? महिलाओं को रोजगार मिलना चाहिए, वो रोजगार मिलना चाहिए, सुविधा होनी चाहिए। आप कह रही थी रोजगार है, किस किस तरीके के रोजगार अब तक आपने किए हैं और कैसे रोजगार? हम तो जो करना चाहते हैं वो कर रहे हैं, जो नहीं करना चाहते वो अपने घर है भाई, हमारे गाय भैंस हम तो उनके तत्पर तैयार रहे। दूध भी तो, दूध वाला भी तो कोई चाहिए, पीने वाले तो सब है, करने वाला भी तो कोई हो, डोल लेगा चल दो लेने, हम तो दूध लेने जा रहे हैं, उनका भी तो कोई करना चाहिए डंगरों का है भाई। अच्छा, मैं कुछ यंग महिलाएं यहाँ पर हैं, उनसे भी जानना चाहूँगा कि जो महिलाएं हैं वो कहीं ना कहीं आजकल लड़कियों को दूर जाना पड़ता है पढ़ने के लिए, ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जो उनको महसूस करनी पड़ती है, ऐसी स्थिति में आप उनके लिए क्या चाहोगे? बस गुंडागर्दी खत्म हो और कोचिंग सेंटर होने चाहिए वहाँ पे गांव-गांव में, और अच्छे शिक्षित होने चाहिए, अध्यापक होने चाहिए, कॉलेज होने चाहिए वहाँ पे। अच्छा, आप भाजपा समर्थित प्रत्याशी हैं, उन भाजपा समर्थित प्रत्याशियों से आप क्या अपील करना चाहेंगे कि जब वो जीत जाएं, आप जब उनको मत देकर जिता दें, उसके बाद वो सबसे पहला काम क्या करें? सड़कें बनवाएं, कॉलेज बनवाएं और गांव में उन्नति दें, अच्छे से अच्छे काम कराएं। आपका वोट? कैंची। कैंची। आपका? सब कैंची। सबका कैंची। अच्छा माता जी, आपको इतने वर्ष हो गए, आपने इतने सारे चुनाव भी देखे होंगे, क्या लगता है इस बार किसका पलड़ा कितना भारी है? इस बार कैंची भाजपा। और भाई कैंची वाले बहुत अच्छे हैं, इसलिए खड़े हैं सब हम। ठीक है, तो कहीं ना कहीं महिलाएं जो हैं वो भाजपा समर्थित प्रत्याशी विमलेश देवी जी की ओर झुकाव है उनका, वो कह रही हैं कैंची की इस बार जोर है। आइए चलते हैं किसी और अगले अंक में, मिलेंगे आपसे, देखते रहिए तब तक के लिए राही न्यूज़।